नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त आकाश। तो दोस्तों, जो सबसे एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हम फेस कर रहे हैं वो ये कि कोरोना का स्तर जो है, उसके जो केसेस हैं वो फिर से बढ़ते जा रहे हैं। आप भी जानते हैं कि कई शहरों में ये पुष्टि हो चुकी है कि कोरोना जो है वो अपनी कहर फिर से भरपा रहा है। आप जानते हैं कि अब जो कोरोना के नए स्ट्रेन्स हैं वो भी आ रहे हैं। अब ये स्ट्रेन्स पहले जो कोरोना था उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा बताया जा रहा है। अब इसको लेकर जो हमारे पास सबसे बड़े वेपन है वो है आपका मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और समय समय पे हाथ धोना। अब दोस्तों, मास्क को लेकर जो लोगों में कई बार कन्फ्यूजन रहता है वो ये कि किस तरह का मास्क जो है वो ज़्यादा सेफ़ है। आप भी जानते हैं कि मास्क जो है मार्केट में कई तरह के अवेलेबल हैं। कई तरह के मास्क आते हैं, N95 मास्क आता है, सर्जिकल मास्क आता है, कपड़े से बना हुआ मास्क आता है, और भी कई तरह के नए मास्क मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। अब जो सवाल पैदा होता है वो ये कि इन सभी मास्क में कौन सा मास्क सबसे बेहतर है, कौन से मास्क से आपकी जो प्रोटेक्शन है वो सुनिश्चित हो जाएगी, किस तरह के मास्क को पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप अगर वो पहन भी रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो पे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पूरे देश में कोरोना वायरस ने फिर से एक बार लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वैक्सीन का काम भी तेजी से चल रहा है, इसके बावजूद भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हमें पूरी सावधानी के साथ रहना है और फिलहाल इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और 2 गज की दूरी से बेहतर कोई उपाय नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल जो अक्सर लोग पूछा करते हैं वो ये कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सा मास्क सबसे बेहतर है। ये सवाल ज़्यादातर लोगों के जहन में रहता है। मास्क जब भी खरीदें तो ध्यान रखें कि ये आपकी पूरी सुरक्षा दे, सिर्फ फैशन या आरामदायक हो ये सोचना काफ़ी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मास्क खरीदते समय ध्यान रखें कि ये आपके चेहरे पर पूरी तरह से फिट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फेस मास्क के कुछ और प्रकार भी हैं जो वायरस से बचाव करते हैं। जानिए कौन सा मास्क कितना सुरक्षा आपको देगा। तो दोस्तों, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स N95 मास्क पहनने की सलाह देते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि कई लोग सर्जिकल तो कई कपड़े से बने मास्क पहन लेते हैं, लेकिन N95 मास्क के अलावा आपने कई लोगों के चेहरे पर KN95 लिखे हुए मास्क भी देखे होंगे। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा मास्क बेहतर है, क्या N95 मास्क बेहतर है या KN95 बेहतर है, इन दोनों में क्या अंतर है और कौन सा मास्क बेहतर है, इस बारे में आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो N95 मास्क, ये कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से बचाव के लिए सबसे बेहतर मास्क माना गया। ये आसानी से मुंह और नाक पर फिट हो जाता है और बारीक कणों को भी नाक या मुंह में जाने नहीं देता है। ये हवा में मौजूद 95% कणों को रोकने में सक्षम है, इसलिए इसका नाम N95 पड़ा है। कोरोना वायरस के कण डायमीटर में 0.12 माइक्रॉन जितने होते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक मदद करेगा। ये बैक्टीरिया, धूल और बाकी सारी छोटे छोटे कणों से 100% आपको बचाएगा। इसके लुक को लेकर लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर रहता है, काफ़ी लोगों को लगता है कि ये आरामदायक नहीं है। वहीं बात की जाए अगर KN95 मास्क की, तो अधिकतर N95 मास्क होते हैं जो आपको देखने में एक कटोरी जैसे ही लगेंगे, और KN95 मास्क थोड़े अलग होते हैं और आमतौर पर लोग ये मास्क पहनते हुए नज़र आ जाते हैं। 0.3 माइक्रोन पार्टिकल्स को रोकने में सक्षम होते हैं KN95। KN95 मास्क भी N95 मास्क की तरह ही काम करते हैं। अब दोस्तों, इन दोनों में अंतर क्या है ये जानिए। इन दोनों मास्क में कार्फल बल के आधार पर थोड़ा सा अंतर है। वैसे गुणवत्ता के आधार पर तुलना करें तो दोनों मास्क में कोई खास फर्क नहीं होता। दोनों मास्क एक ही जैसे होते हैं, दोनों मास्क ही 0.3 माइक्रोन पार्टिकल को रोकने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा दोनों की फ्लो रेट भी करीब 85 लीटर पर मिनट होती है। साथ ही कई अन्य मायनों में भी दोनों मास्क एक जैसे ही काम करते हैं और क्वालिटी के मामले में एक जैसे ही होते हैं। कई रिपोर्ट्स की माने तो दोनों मास्क में कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन दोस्तों, KN95 थोड़ा सा ज़्यादा आरामदायक होता है N95 से, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। कई लोग मानते हैं कि KN95 मास्क कैरी करने में थोड़ा कंफर्टेबल होता है, जबकि N95 मास्क को ज़्यादा देर तक लगाने में मुश्किल होती है। वही सबसे खास अंतर दोनों मास्क में अबूरबल के आधार पर किया जाता है। N95 मास्क को अमेरिकन संस्थान ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एफिबेशन सेंटर एंड हेल्थ की ओर से अप्रूव कर दिया है। वहीं KN95 मास्क की बात करें तो ये
NIOSH की ओर से अप्रूव्ड है। हालांकि चीन जैसे कई दूसरे देशों के संस्थानों ने इसे अप्रूव दिया है। अधिकतर देश N95 मास्क पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। कई देशों में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। दोस्तों, अगर अब आप सोच रहे हैं कि कौन सा मास्क लेना बेहतर है, तो अगर आप ज़्यादा सुरक्षित रहना चाहते हैं तो N95 मास्क को आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा कंफर्ट भी चाहिए और साथ में सुरक्षा भी चाहिए, तो KN95 मास्क को आप ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्जिकल जो मास्क होते हैं वो कितने सेफ होते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग वहीं पहन के घूमते हैं तो हर मास्क का इस्तेमाल कर रहे हों, तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम अपने मास्क का ध्यान रखें, उन्हें सही तरीके से स्टोर करें। मास्क की गुणवत्ता तब कम हो जाती है जब इसके अंदर मौजूद फैब्रिक बेजान होने लग जाते हैं। कठोर धुलाई और केमिकल की वजह से भी फैब्रिक अपनी गुणवत्ता खो देते हैं। अगर आप अपने मास्क को सही तरह से स्टोर करके नहीं रखेंगे, खासकर उन मास्क को जिनमें नोज़ क्लिप लगा हुआ होता है, तब इनमें जगह बन जाती है और यहाँ से कीटाणु घुस सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि मास्क का इस्तेमाल करने के साथ हम इन सभी बातों का ध्यान भी रखें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।